आज बिहार का सियासी पारा चरम पर रहना तय है, क्योंकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की सजा को लेकर आज कोर्ट फैसला करेगी। ऐसे में क्या लालू विरोधी और सपोर्टर सबों की निगाहें सजा की अवधि पर टिकी हैं कि लालू को कितने साल की सजा होगी और बिहार में आरजेडी का सियासी ऊंट कौन सा करवट लेगा। बीते 23 दिसंबर को रांची की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में लालू को दोषी करार दिया था। लालू यादव को कितने दिनों की सजा मिलेगी, इसे लेकर आरजेडी के अंदर खाने रणनीति तैयार की जा रही है। आरजेडी नेताओं को उम्मीद है कि लालू को 3 साल की सजा मिलने पर उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी, लेकिन सजा की अवधि बढ़ने पर जमानत मिलने में परेशानी हो सकती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या उनके दोनों बेटे बिहार में पार्टी को बचा पाएंगे। तेजस्वी यादव ने हाल ही में लालू के सामने कई बार सार्वजनिक मंचों पर अपने राजनीतिक कौशल को साबित किया है, लेकिन उन्हें बिहार की सियासत में नीतीश और बीजेपी के बड़े धाकड़ नेताओं से पार पाना होगा। वहीं बेनामी संपत्ति के आरोपों से दो चार हो रहे परिवार पर लालू का खुलकर आशीर्वाद नहीं रहेगा, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार है जहां वह जेल में बंद है, इसलिए लालू से मुलाकात में भी परेशानी हो रही है। वहीं जेडीयू ने आरजेडी में फूट की बात कही है। अभी इस केस में सजा मिलने के अलावा 4 और केसों में कोर्ट का फैसला आना बाकी है। सब में अलग अलग सजाएं मिलेंगी और सब में उन्हें अलग अलग जमानत भी लेनी होगी। इस सूरत में उन्हें जमानत मिलना भी बेहद मुश्किल हो सकता है। वहीं उनके विरोधी कतई चुप नहीं रहने वाले। कुमार मयंक, APN।